नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लुकेश। ऑल टेक फैक्ट के करें फिर इस कमाल एपिसोड में आप सभी को स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, गूगल ने आज अपने होम पेज में किसको जगह दी है, यानी गूगल ने आज अपने डूडल में किसको बनाया है, क्यों बनाया है और उनका क्या नाम है, उन्होंने क्या अचीवमेंट पाया था जो गूगल के डूडल में उनको जगह मिला, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आज के जो गूगल डूडल के जो हिस्सा है वो है इटली के एक बहुत ही बड़े एकेडमिक रूप से इंटेलिजेंट वुमेन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, हो सकता है आप लोग इसको ले ले कि गूगल एक स्टीरियो टाइप को खत्म करना चाहता है कि वुमेन कैन नॉट डू एवर डू समथिंग। तो फ्रेंड्स, महिलाएं को ये इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने आज ये डूडल बनाया है इटली के सबसे एकेडमिक रूप से इंटेलिजेंट महिला को, जिनका नाम है इलेना कोनेरो पिस्केपिया। ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने कई उपलब्धि एकेडमिकली पाई है और फ्रेंड्स ये 7 ईयर में ही प्रोडिजी कहलाई है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलेना कोनेरो पिस्केपिया के बारे में सारी चीजें, जरूरी बातें जो आपको जान लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का देखिएगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इलेना कोनेरो पिस्केपिया का जन्म वेनिस में हुआ था। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक वेनिसियन फिलोसोफर है, एक नोबेल डिसेंट की। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इनका जन्म 5 जून यानी आज ही के दिन 1646 को वेनिस में ही हुआ था और ये एकेडमिक रूप से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और इनका कोई सानी नहीं। फ्रेंड्स, इनका जो जन्म हुआ एक नोबेल परिवार में हुआ, एक मामूली एक सज्जन परिवार में हुआ, लेकिन किसे पता था कि वो छोटी सी महिला इतना मार्केट को बूम कर देगी और एकेडमिक रूप से इतना इंटेलिजेंट बनेगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये सबसे पहली महिला है पूरी दुनिया की जिन्होंने यूनिवर्सिटी से डिग्री पाई है। इतना ही नहीं, 1678 में ये ऐसी पहली महिला बनी जिन्होंने पीएचडी डिग्री पूरी दुनिया में सबसे पहले पाई। आपको बता दें, ये मात्र जब 7 ईयर की ही थी, 7 साल की ही थी, तो ये प्रोडिजी के नाम से जानी जाती थी, यानी अद्भुत विलक्षण महिला। इनका जो एकेडमिक टैलेंट था वो अनबिलीवेबल था, काफी ज्यादा तो आपका इम्प्रूवमेंट इनका टैलेंट में था। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि बात करूं इनके बारे में और यदि गौर से, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इन्होंने 7 इयर्स ओल्ड में ही 7 लैंग्वेज सीख लिया था और काफी ज्यादा फ्लुएंट ये इन 7ों लैंग्वेज को बोल सकती थी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, 7 साल के उम्र में ही इन्होंने 2 लैंग्वेज से ट्यूशन लेना शुरू किया, एक लैटिन और एक ग्रीक, जिससे कि इनका कई भाषा में पकड़ बन गया। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इलेना कोनेरो पिस्केपिया इन्होंने म्यूजिक में भी कई उपलब्धि पाई है, हार्पसिकॉर्ड, फिर जाके वायलिन और इसी तरह के कई जो बटन वाले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हाईली म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन्होंने इसमें भी महारत हासिल कर ली थी, यानी ये भी म्यूजिक प्रोडिजी के नाम से जाने जाते थे और म्यूजिक में इन्होंने काफी ज्यादा महारत हासिल कर ली थी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं दुखांतवश कि इलेना कोनेरो पिस्केपिया अब हमारे बीच नहीं है, इनका देहांत हो गया था 26 जुलाई 1684 में ही, मात्र 38 साल का उम्र में टीबी बीमारी के कारण इनका मौत हो गया। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि गूगल ने अपने डूडल में जिस महिला को जगह दी है वो आखिर कौन है, उन्होंने क्या अचीवमेंट हासिल की है। यदि फ्रेंड्स आप गूगल के डूडल के बारे में नहीं जानते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, गूगल के जो फाउंडर है लैरी पेज और सर्जे ब्राइन, उन्होंने ही गूगल डूडल बनाने का सोचा। दरअसल गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है और ये पूरा दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर यूज किया जाने वाला सर्च इंजन है और कोई भी, आप जैसा कि जानते हैं, हर सेकंड इसमें 60-70 हजार सर्च की जाती है। तो ऐसे में यदि कोई बंदा देश के लिए कुछ कर जाता है या दुनिया के लिए कुछ कर जाता है, बहुत ही ज्यादा महान वाला काम, तो गूगल उसे अपना डूडल में जगह देता है। वो देश के कल्चर को भी उभारता है, अलग अलग देश के बारे में बताता है, या फिर कोई आदमी के बारे में जो काफी ज्यादा अच्छे काम किए हैं,
तो ऐसे में गूगल उनका डूडल बनाकर उनको सम्मान देता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दिया कि गूगल का डूडल क्या होता है और गूगल के डूडल में आज जगह मिली है किसको और क्यों मिली है, उनका क्या अचीवमेंट है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इसे सब जगह शेयर करना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहता हूं और इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए आपका सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इसे सब जगह शेयर करते रहना काफी जरूरी है। तो इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहता हूँ।